Hello students, I hope you all are fine. Welcome to EVS class. I am your teacher and my name is Himanshi. Students, in this video we shall try to learn domestic animals. तो आज आपको मैम डोमेस्टिक एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाएंगी और उनके नेम बताएंगी. चलिए पहले ये बताइए कि डोमेस्टिक एनिमल क्या होती हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स को हम अपने घर में रखते हैं. और क्यों रखते हैं हम अपने घर में? क्योंकि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारी मनी अर्निंग में यानी पैसे कमाने में हेल्प करती हैं. किस तरह हेल्प करते हैं? कभी आपने मंकी देखा है? आपने कभी रोड पे देखा होगा, कभी भी आप कहीं देखा होगा कि मंकी को कुछ लोग डांस करवाते हैं और मंकी भी बहुत मजे से डांस करता है, देखा है? और जब वो मंकी डांस कर दिखाता है तो आप उसे पैसे देकर आते हो. जो मंकी जिसके पास मंकी होता है उसको पैसे देकर आते हो ना, क्योंकि मंकी ने अच्छा डांस किया तो मनी अर्निंग हुई ना. इसी तरह से एलिफेंट है. एलिफेंट की सवारी करने में तो बहुत ही मजा आता है. की है आपने? की है. तो एलिफेंट पे जब आप सवारी करते हो तो फिर वो कहते हैं ना, आप हमें 50 रुपीज दोगे तो हम एलिफेंट पे बिठाएंगे, बोलते हैं ना. तो आप 50 रुपीज देते हो, वो क्या हुआ, मनी अर्निंग में हेल्प की. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम अपने घर में इसलिए रखते हैं ताकि हमारी मनी अर्निंग में हेल्प हो सके. कैमल है. कैमल राइडिंग भी करती है बट उसको मनी देना पड़ता है राइडिंग करने के लिए. अगर हम वन टाइम कैमल पे बैठेंगे तो वो कैमल वाले जो अंकल होते हैं आपसे पैसे लेते हैं ना, तभी कैमल पे बिठाते हैं. तो वो मनी अर्निंग में हेल्प हो गई. तो स्टूडेंट्स, जो एनिमल हमें मनी अर्निंग में पैसे कमाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं. तो चलिए अब मैं आपको कुछ एनिमल्स दिखाती हूँ. ओके, विच एनिमल इज दिस? शीप. विच एनिमल इज दिस? शीप. इट इज ब्लैक इन कलर एंड व्हाइट इन कलर. शीप जो है ब्लैक भी होती है, व्हाइट भी होती है. एंड शीप गिव्स अस वूल. शीप जो होती है वो हमें वूल देती है. आपको पता है वूल क्या होता है? नहीं पता? ओके. जब विंटर सीजन में आप स्वेटर वियर करते हो, सभी करते हो ना, विंटर सीजन कौन सा होता है? सर्दियां आती है. जब आप क्विल्ट लेते हो, रजाई लेते हो, बहुत सर्दी होती है तो आप स्वेटर भी वियर करते हो और वो जो स्वेटर है वो वूल से बनता है. और वो वूल हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? शीप से. तो शीप हमें वूल देती है. और आपने एक पोयम भी सुनी होगी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. तो ये पोयम भी हुई है जिसमें हमें शीप से वूल मिलती है. Our next animal is ox. दिखने में बहुत ही strong and large animal है. देखो कितना strong, big और large animal है. पहले तो हम ox को farms में use करते थे but now these days हम जो ox का use है वो carrying goods में करते हैं. जो ऑक्स है वो हमारे सामान को अपने ऊपर रख लेता है. हम ऑक्स के ऊपर अपना सामान रख देते हैं और कैरिंग में हेल्प करते हैं. तो ये क्या है बच्चों? ऑक्स. गैस करिए अब हमारा नेक्स्ट एनिमल क्या होगा बच्चों? गैस करिए. कैमल. विच एनिमल इज दिस? कैमल. और कैमल जो है इसका हेड तो बहुत ही स्मॉल होता है. ये देखिए इसका जो हेड है वो बहुत ही स्मॉल है और जो कैमल की नेक है वो बहुत ही बिग होती है. और ये बहुत ही बिग एनिमल होता है ना, देखो कितना बिग एनिमल है. और कैमल की बैक पर ये देखो, ये जो कैमल की बैक है यहाँ पर एक हम्प होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हम्प. कैमल की बैक साइड में
हैम्प होता है। और कैमल की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो कई दिनों तक बिना वाटर ड्रिंक किए रह सकता है। आप रह सकते हो? नहीं, आपको तो हर हाफ एन आवर में वाटर चाहिए होता है ना। खाना खाया तो वाटर, चॉकलेट खाई तो वाटर। बट जो कैमल है वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए यानी बिना वाटर ड्रिंक किए रह सकता है। और जो कैमल है वो सैंड पे रन करता है यानी मिट्टी में चलता है कैमल। तो स्टूडेंट्स, विच एनिमल इज दिस? कैमल। तो अब गैस करिए हमारा नेक्स्ट एनिमल कौन सा आने वाला है? डंकी। विच एनिमल इज दिस? डंकी। जो डंकी है इसके ईयर्स बहुत बिग होती हैं। देखो डंकी के ईयर्स बिग है ना। और जो डंकी है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। किस तरह से हेल्पफुल होता है? डोंकी जो है एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए यानी कुछ दूर के लिए अपने ऊपर लोड रख सकता है और वो हमारी हेल्प करता है। विच एनिमल इज दिस? डोंकी। गेस करिए अब हमारा नेक्स्ट एनिमल। बताइए बताइए। गॉट। विच एनिमल इज दिस? गॉट। तो जो गोट है वो ब्लैक भी होती है और वाइट भी होती है। गॉट गिव्स अस मिल्क। आपको पता है गोट हमें मिल्क भी देती है। अभी तक तो सब यही बोलते हैं काओ मिल्क देती है, बफेलो मिल्क देती है, बट गोट भी हमें मिल्क देती है। और जो गोट का मिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। गोट मिल्क इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। तो ये हमारा कौन सा एनिमल है? गॉट। आवर नेक्स्ट एनिमल इज पता है कौन सा एनिमल है बच्चों? देखा है आपने शादी में, देखा था मामू की। हॉर्स। जो आप शादी में देखते हो ना वो फीमेल होता है, मेल बोलते हैं उसको, और ये मेल होता है, इसे हम हॉर्स बोलते हैं। और जो हॉर्स है उसका कलर क्या है? ब्राउन। इट इज ब्राउन इन कलर। और आपको पता है हॉर्स को हम राइडिंग के लिए भी यूज करते हैं। जब आप थोड़े बिग हो जाओगे तो आप भी हॉर्स राइडिंग सीखना बहुत एंजॉय करते हैं हम हॉर्स राइडिंग में। ओके स्टूडेंट्स। और जो हॉर्स है उसे ग्राम बहुत पसंद होता है। पता है ग्राम क्या होता है? चना। पता है ना चने खाते हो ना आप सभी लोग? हॉर्स को ग्राम बहुत पसंद है। आप भी खाया करो, पावरफुल हो जाओगे। हॉर्स ग्राम खाकर बहुत ही फास्ट रन करता है। जब आप भी ग्राम खाना स्टार्ट करोगे ना आप भी हॉर्स की तरह फास्ट रन करोगे। तो स्टूडेंट्स कौन सा एनिमल है ये हमारा? हॉर्स। एंड आवर नेक्स्ट एनिमल इज काओ। विच एनिमल इज दिस? काओ। काओ तो सबने देखी होगी। जब आप अपना डोर ओपन करते हो बाहर जाते हो तो कभी तो हमें काओ दिखाई दे ही जाती है, देखी है ना। अच्छा आपके घर आई थी, ओ आपने चपाती भी खिलाई थी काओ को, वेरी गुड। जो काओ है काओ की हम वॉशिप करते हैं, काओ की पूजा करते हैं हम। काओ जो है व्हाइट कलर की होती है। एंड काओ गिव्स अस मिल्क। काओ हमें मिल्क देती है और काओ का मिल्क बहुत ही पावरफुल होता है। एंड स्टूडेंट्स विच एनिमल इज दिस? काओ। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डोमेस्टिक एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल का यूज और उनकी कुछ क्वालिटीज है ना। अब आपको मैम की इस वीडियो को देखना है अच्छे से, इनकी क्वालिटीज को लर्न करना है कि कौन से एनिमल की क्या क्वालिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एवरी टाइम।